हेलो दोस्तों, आप लोग सब कैसे हैं? हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बखोड़ापुर वाली काली मंदिर घूमने आए हैं। अभी हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ का वातावरण काफी धार्मिक है। मुझे तो अभी से ही पॉजिटिविटी की खुशबू महसूस हो रही है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, लोग पूजा पाठ में मग्न हैं। धूप अगरबत्ती की खुशबू चारों ओर फैली हुई है और मंत्रों के उच्चारण से पूरा वातावरण गूंज रहा है। इस मंदिर में आने से पहले यहाँ के बारे में काफी कुछ सुना था। यहाँ आने के बाद यहाँ के लोगों से पता करने के बाद पता चला कि बखोड़ा वाली काली माँ का एक रहस्य है। यहाँ के लोगों का कहना है कि 1862 के समय के बखोड़ापुर गांव में हैजा फैला था। 500 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी और सैकड़ों लोग बीमार थे। उसी समय गांव में एक साधु ने प्रवेश किया। उन्होंने माँ काली की पिंडी स्थापना की बात कही, साथ ही ये भी कहा कि ऐसा करने से बीमारी रुक जाएगी। साधु को ऐसा कहने पर गाँव के बड़े लोगों ने नीम के पेड़ के पीछे माँ काली की 9 पिंडी स्थापित कर पूजा अर्चना शुरू कर दी। इसके बाद वह साधु वहाँ से चला गया, साथ ही हैजा गांव से धीरे धीरे समाप्त हो गया। जिस स्थान पर पिंडी स्थापन की गई थी उसके बगल से नाला बहता था। कुछ दिनों बाद एक आकाशवाणी हुई जिसमें यह सुनने को मिला कि माँ की जो पिंडी है उसे वहाँ इस नाले के पास से हटाया जाए, नहीं तो माँ वहाँ से चली जाएगी। लोगों का कहना है कि वह आकाशवाणी माँ ने की थी। उसके बाद गांव वालों ने माँ की पिंडी को वहाँ से हटा कर दूसरे स्थान पर स्थापित कर दिया। इसके बाद 1862 में वहीं उनका छोटा सा मंदिर स्थापित किया। मंदिर स्थापन के बाद गांव के लोग पूजा पाठ कीर्तन महायज्ञ आदि में लग गए। उस समय से ही माँ बखोड़ापुर वाली काली माँ के नाम से प्रचलित हो।
बखोड़ापुर काली मंदिर के कॉम्प्लेक्स में चलते हैं। यहाँ के छोटे छोटे स्थल हैं जो अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित हैं। चलिए मंदिर के सुंदर दिखाई देने वाले छोटे स्थलों का आनंद लेंगे। अब हम देखेंगे मंदिर के अंदर चल रही पवित्र क्रियाएं, जैसे दिए जलाना, फूल चढ़ाना। हर एक क्रिया का अपना अपना महत्व है। सच है, ये देखकर दिलों को सुकून मिलता है दोस्त। इसी तरह 2004 में घटित एक घटना ने मां पर लोगों की श्रद्धा को और बढ़ा दिया। 2004 के अप्रैल महीने में राष्ट्रीय मां काली सांस्कृतिक महोत्सव में 2,00,000 लोगों का भीड़ था, जिसमें 32 फीट लंबा महुआ का पेड़ 25 फीट की ऊंचाई से टूट गया। मां की कृपा से इस पेड़ पर बैठे 200 लोग और नीचे खड़े हजारों लोगों में से कोई भी घायल नहीं हुआ। यहाँ तक कि इस दुर्घटना में किसी को चोट भी नहीं आई। मंदिर तक पहुँचने के लिए आरा रेलवे स्टेशन से लगभग 12 किलोमीटर उत्तर बड़हरा प्रखंड के बखोड़ापुर गांव में बखोड़ापुर माँ काली का मंदिर है। यहाँ जाने के लिए आरा रेलवे स्टेशन से गांगी के पास से कई सवारी मंदिर तक जाने के लिए मिलते हैं। मंदिर के आसपास पूजा सामग्री की दुकानें और होटल समेत अन्य सुविधाएं भी है, जहाँ भक्तों के लिए हर संभव सहायता की जाती है। मंदिर के पास में ही एक शुद्ध शाकाहारी फैमिली रेस्टोरेंट है। थोड़ा सा कॉस्टली लगा हमें। दो टाइप की थाली है यहाँ, एक रेगुलर और दूसरा स्पेशल। रेगुलर 130 का है और स्पेशल वाला 230 का। तो बखोड़ापुर वाली काली मंदिर का रहस्य पसंद आया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आप मेरे फ्यूचर यात्राओं से जुड़े रहें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और प्यार पॉजिटिविटी भी फैलाएँ। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय मां काली, बखोड़ापुर वाली।